आज मैं उद्योग विहार में खड़े हैं, मंगलपुरी के उद्योग विहार में, और मैं आज मजदूरों को परिस्थितियों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि मजदूरों किस तरह से अपनी परिस्थितियां रखते हैं। आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे। आइए हम लोग देखते हैं कि इधर से कौन मजदूर आ रहे हैं और उनसे बात करेंगे, उनके परिस्थितियों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और मंगोलपुरी में उद्योग बिहार में 90% जूते उद्योग है, इसके बारे में हम जानकारी करने की कोशिश करते हैं। हमारे भाई साहब एक आ रहे हैं, इनसे बात करते हैं कि मंगोलपुरी के उद्योग बिहार में क्या परिस्थिति है। आपको सबसे पहले हमारे चैनल पर स्वागत है, और आज मैं जानना चाहते हैं कि मंगोलपुरी के उद्योग बिहार की परिस्थिति क्या है। काम धंधा की तो पोजीशन बहुत ख़राब है और यहाँ तो कुछ है ही नहीं। क्या पहले तो अपनी नाम बता दीजिए, क्या नाम है? मेरा नाम राजीव है। अच्छा, क्या चीज के काम करते हैं? जूते के काम करते हैं, अच्छा, जूते जूते जो जो बनाते हैं। सब लोग पहनते हैं। हाँ वही पहन जो सब लोग पहनते हैं वही जूते चप्पल बनाते हैं। अच्छा, उस जूते में ही काम कर रहे थे और ठेकेदारों की वजह से कुछ कमाई दवाई नहीं है। वही 8-10 हज़ार रुपया कमा पाते हैं और 10-12 हो जाते हैं कभी कभी। यूपी अच्छा, रहने वाले कहाँ के? अच्छा, के रहने वाले हैं, यूपी से यहाँ आए हैं काम करने काम के करने के लिए। लिए काम है ही नहीं, फिर क्या करो। कभी 10-12 हज़ार रुपया में गुजारा होता है, कर क्या लेते यूपी हैं। में काम नहीं है? काम होता तो फिर यहाँ क्या करने आते हैं यार, बीवी देख बच्चे सकते थोड़े हैं, हैं। प्रवासी मजदूर बाहर से आने वाले जो यहाँ मंगोलपुर के इंडस्ट्री इलाके में काम करते हैं, इनकी परिस्थितियां क्या है, इनसे व्याख्या करते हम हैं। लोग गरीब आदमी हैं, कमाने खाने के लिए आए हैं। घर होता तो इतना आते नहीं यहाँ पे, और आए हैं तो यहाँ भी वही ठेकेदार की लैंड है। मालिक तो हालांकि में ठीक है, लेकिन बात यह है कि ठेकेदार लोग ठेका ले रखे हैं तो उसमें जो अपना भी खाते हैं, लेबर को देते हैं। आपकी तनख्वाह कितने हो जाते? ठीक, तनख्वाह क्या वही 10-12 हज़ार रुपया कमा पाते हैं, कभी कभी 8 हज़ार, कभी 10 हज़ार, कभी 12 हज़ार। थी आपको ज्वाइंट लेटर मिला था क्या फैक्ट्री की तरफ से या ठेकेदार की तरफ कुछ से? नहीं मिला था, ऐसे ही हम लोग तो अन्ना चलते हैं आपको फैक्ट्री पता से। है हाँ किस फैक्ट्री में काम करते हैं? करते थे से। मतलब फैक्ट्री के नंबर बता सकते हैं या ऐसे मतलब बिना आते हैं चले जाते हैं? नहीं तो लड़का काम ही ऐसा है, मजदूर का क्या काम है। करो अच्छा, एक भाई और आ गए, इनसे पूछते हैं इनका परिस्थिति क्या है, यही काम धंधा चल रहा नहीं। कहाँ के रहने वाले और बिहार के नाम क्या है? सतीश कुमार, अच्छा, यहाँ पे क्या चीज के काम करते हैं, फुटवेयर का, जूते का, ये सब नहीं चल रहा है। क्या बनाते हैं या क्या करते हैं? वही पैकिंग वाला कर, पैकिंग अच्छा, वाला हम पैकिंग करते हैं। आप क्या करते हैं? मशीन चलाते थे। हाँ अच्छा, आप बनाते हैं, आप पैक करते हैं। हाँ पैक करते हैं। कितना वही तनख्वाह है? तनखा वही 9-9.5 पड़ता है। 8 हज़ार वही हेल्पर का, 9 हज़ार 10 हज़ार ऐसे। ठेकेदार के थ्रू या मालिक के थ्रू? हजार थ्रू करते हैं। अच्छा, ठेकेदार थ्रू। तो ठेकेदार ने आपके ज्वाइंट लेटर दिया है? नहीं ऐसा ही देता है? तो कुछ नहीं, फंड बोनस या मेडिकल कोई भी ऐसी चीज? ऐसे तो दवाई ववाई तो दवा देते हैं। ठेकेदार अच्छा, मतलब ऐसे ठेकेदार दिला देता है या मालिक दिला देता है? तो देता है, मेरे को मेरा पैर का दिया था, ठेकेदार दिया था। अच्छा, मतलब ऐसे 200-400 रुपया हाँ ऐसे सर, मतलब मेडिकल उडकल या कोई भी ऐसे हेलो। हाँ फैक्ट्री सर में ऊपर सुन। रहता है सर, स्टोर में रहता है सर। नहीं, ऐसे आपको एसआई कार्ड या फंड बोनस ऐसे कुछ मिलता है? ऐसे बोला था करने के लिए, भाई मैंने नहीं बनाया, अभी तक नहीं बना है। बोला था बनाने के लिए, मैंने दिया था, मेरा कुछ नहीं था। अच्छा, तो और काम तो आपको कुछ नहीं मतलब मिलेगा। सैलरी पता है कितना है? सैलरी हुई है 9 हज़ार, 9.5 हज़ार ऐसे सर, ऐसे मार्केट में सर। दिल्ली सरकार तो कहते हैं कि 16,000 कुछ रुपया लेबर के तनख्वाह है, नहीं ऐसा कोई बात नहीं, 16,080 रुपया बताते हैं। मिलता है ही नहीं 16,080 रुपया। और सब क्यों नहीं मिलते सब फेंक रहता है, हैं? 16,080 रुपया ऐसे मिलता ही है। ये ठेकेदार तो काम करोगे तो काम। दिल्ली सरकार तो कहते रहते हैं कि सबसे ज्यादा दिल्ली में मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिलते हैं। यहाँ मजदूरों को नहीं क्या नहीं मिलता है भाई साहब, ये वहां से आता है, यहाँ तो सब खाओ जाता है बीच बीच में। नहीं, कौन बीच में खाता है, या ठेकेदार खाता है या मालिक खाता है या ठेकेदार कौन? ही खाता होगा, मालिक के ठेकेदार या बीच में। मालिक कोई खा ही हम लोग ठेकेदार कहीं। मालिक के बीच में है तो ठेकेदार ही खाता होगा। क्या आपने मालिक से कभी बात किया या ठेकेदार से? ये कोई से नहीं बात हम किया, किससे बात कर सकते हैं, ना अंदर जा सकते हैं ना मालिक से बात कर सकते हैं। क्या आपके फैक्ट्री में लेडीज भी काम करते हैं? हाँ लेडीज भी करते हैं। क्या लेडीज के लिए बाथरूम अलग है? नहीं एक ही है, एक ही बाथरूम, जेंट्स उसी में जेंट्स जाते हैं, उसी में लेडीज जाते हैं।
और आपके फैक्ट्री में मतलब ऐसे आग वाग लगने पे या ऐसे कोई भी प्रॉब्लम होने पे क्या सुविधा है? कुछ नहीं है, क्या सुविधा है मजदूरदार के लिए, क्या सुविधा करो। देख सकते हैं हम इंडस्ट्री इलाके में खड़े हैं और कंपनियों को देख सकते हैं। हम दो भाई से बात किए हैं और दोनों भाइयों ने बताया कि 10,000 से 12,000 तक की मुझे 12 घंटे के तनख्वाह मिलते हैं। आज दिल्ली सरकार जो कहते हैं कि 16,000 कुछ रुपए हेल्पर के हैं, कारीगर के 19,000 कुछ रुपए हैं, पर आज कब तक ये लागू होगा इंडस्ट्री इलाके की तनख्वाह, ये दिल्ली सरकार बताए। और मैं आग्रह करता हूँ दिल्ली सरकार की, एक बार उद्योग बिहार के मंगोलपुरी के सर्वे करे जाए। और मंगोलपुरी में जो उद्योग बिहार है अधिकतर तर फुटवेयर की काम होते हैं और यहाँ पे जो हर घर में बच्चे से लेकर बूढ़े से लेकर जवान तक फुटवेयर यूज करते हैं, और उस लेबर की परिस्थितियाँ के बारे में आप सर्वे करके देखिए क्या हाल है और मजदूरों की क्या परिस्थितियां है 12 घंटे काम करने पे, अपनी बीवी बच्चे को छोड़ के 1200 या 1000 किलोमीटर दूर आके काम करते हैं जो प्रवासी मजदूर यहाँ पे, उनके क्या परिस्थितियां है। हमने दो भाई से बात किया है, आपने सुन लिए सकते हैं कि क्या बोले हैं मंगोलपुर के उद्योग बिहार है। यहीं पे अपना वीडियो समाप्त करते हैं और हम सभी साथियों से जय हिंद।